हेलो टू ऑल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक और हिंदी का लेसन प्लान। ये लेसन प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने खुद के डाइट में बनाए हुए लेसन प्लान फाइल्स में से, तो आप इन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं और इन्हीं की सहायता लेके आप खुद का अपना और अच्छा पाठ योजना तैयार कर सकते हैं। ये लेसन प्लान मैंने खुद अपने डाइट टीचर ट्रेनिंग के टाइम पे बनाए थे जब हमारी SCP हुई थी। तो आई होप आपको मेरे लेसन प्लान्स पसंद आएंगे। इसी तरीके की और सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैंने हिंदी, मैथ्स, EVS, इंग्लिश, SST सारे ही सब्जेक्ट्स पे लेसन प्लान्स आप लोगों के लिए अपने चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कराए हुए हैं। उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में लेसन प्लान्स अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज जो मैं लेसन प्लान आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसका टॉपिक है भगवान के डाकिये। कक्षा 8वीं में ये एक कहानी है जिसको हम आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। सबसे पहले जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो पेज के सेंटर पे आप हेडिंग डालेंगे पाठ योजना, उसके बाद आप क्रमांक डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्रमांक डाला है 4, तो ये मेरे लेसन प्लान फाइल का चौथा पाठ योजना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। उसी के बाद आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है। उसके नीचे आएगा विषय, हमारा हिंदी रहेगा। आप चाहें तो ब्रैकेट में कहानी भी लिख सकते हैं। उपविषय में आप टॉपिक लिखेंगे जो कि हमारा रहेगा भगवान के डाकिये। इसको मैंने स्पेशली हाईलाइट किया है, एक अलग कलर का यूज़ किया है। उसके बाद राइट साइड में आप लिखेंगे कक्षा 8वीं, अवधि 30 से 35 मिनट की आप अवधि में इस पाठ योजना को आराम से कवर कर सकते हैं। उसके नीचे आप हेडिंग देंगे दिनांक। यहाँ पे दिनांक इसलिए नहीं लिखा हुआ है कि लेसन प्लान हम पढ़ाने से, उसको डिलीवर करने से पहले बनाते हैं, तो जिस दिन हम ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे उस दिन का डेट हम एट द टाइम, उसी टाइम क्लास में जाने से पहले वहाँ पे लिखेंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ब्लैंक रखा है। उसके बाद हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम पहले सामान्य उद्देश्य आएगा। यस, पहले सामान्य उद्देश्य आता है, पर क्योंकि मैंने आपके साथ अभी बताया कि ये मेरी लेसन प्लान फाइल से लिया गया एक पाठ योजना है, तो जब हम फाइल में लेसन प्लान बनाते हैं तो हम फाइल का जो फर्स्ट पेज होता है उसी पर हम विषय का जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, उस पर्टिकुलर विषय को क्यों पढ़ते हैं हम, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उसको हम एक ही बार में लिख देते हैं। तो इसीलिए हमें हर लेसन प्लान में उसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आप मेरे पहले के जो हिंदी पाठ योजना है आप उनमें देख सकते हैं और वहां से आप सामान्य उद्देश्य देख के अपने लेसन प्लान में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे विशिष्ट उद्देश्य से। तो जानते हैं भगवान के डाकिये जो हमारी कहानी है उसको पढ़ाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है। सबसे पहले है छात्र जानेंगे कि डाकिया क्या होता है। छात्र प्रकृति के बारे में जानेंगे और उसके निकट आएंगे। द नेक्स्ट, विद्यार्थी डाकिये के काम के बारे में जान पाएंगे। छात्र जानेंगे कि कैसे प्रकृति भी आपस में संदेश भेजती है। एंड लास्ट, छात्र प्रकृति की खासियत एवं सुंदरता को जानेंगे। तो ये कुछ उद्देश्य थे जिनको हमें पढ़ाते समय ध्यान रखना है। उसके बाद हम हेडिंग देंगे शिक्षण सहायक सामग्री। नाम से ही बोध हो रहा है शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि वे सामग्री जो हमारे शिक्षण के दौरान हमें सहायता करती हैं। जिस भी मटेरियल का आप पढ़ाते टाइम यूज़ करते हैं वो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री होती है। इंग्लिश में हम इसको TLM बोलते हैं शॉर्टकट में, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं PPT, चित्र, क्रियाकलाप के लिए चित्र, चौक, डस्टर और पाठ्यपुस्तक। क्योंकि ये लेसन प्लान मैंने ऑनलाइन शिक्षा को ध्यान में रख के बनाया था तो यहाँ पे मैंने PPT का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह कोई और भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने लेसन प्लान बनाया आप सेम वैसा ही बनाएं। आप इसकी हेल्प लेके अपने लेसन प्लान को बना सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस भी आप कर सकते हैं।
देन नेक्स्ट मैंने हेडिंग डाली है शिक्षण विधि, यानी कि वह विधि जिसका प्रयोग हम इस पाठ को पढ़ाने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ प्रदर्शन विधि, क्रियाकलाप विधि और व्याख्यान विधि। देन नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान। बच्चों ने डाकिया देखा होगा, वह उसकी सामान्य जानकारी होगी। चूंकि हम कक्षा 8वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो 8वीं के बच्चों से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उन्होंने डाकिया देखा होगा और वे उसके बारे में जानते भी होंगे कि डाकिया कौन होता है, वो क्या काम करता है, हमारे लाइफ में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, सोसाइटी में उसका क्या रोल है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, बच्चे डाकिया के बारे में जानते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान परीक्षण। अब जो हमने ऊपर हेडिंग डाली थी पूर्व ज्ञान, ये उसी का सब टॉपिक है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं, तो हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं जो कि हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे सेम यही उत्तर दें, पर एक्सपेक्टेड आंसर्स ये हो सकते हैं। तो इसके लिए हम इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम तीन कॉलम बनाते हैं। पहला आएगा क्रमांक संख्या, देन छात्र अध्यापिका क्रिया, उसके बाद संभावित उत्तर। पहला प्रश्न है, छात्र अध्यापिका छात्रों को एक डाक घर का चित्र दिखाकर पूछेंगी कि यह क्या है। बच्चे उत्तर करेंगे डाक घर। देन दूसरा प्रश्न, कितने बच्चों ने यह डाक घर देखा है। बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ने डाक घर देखा हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, डाकघर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे पोस्ट ऑफिस। देन नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारा हमारे टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, भगवान के डाकिये होते हैं क्या। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या सच में भगवान के डाकिये होते हैं, तो ये उनके लिए क्या होगा, समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। इसी समस्यात्मक प्रश्न को कनेक्ट करेंगे हमारे टॉपिक से और हम अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट करेंगे। उसको हिंदी में हम हेडिंग देते हैं उद्देश्य कथन। तो प्यारे बच्चों, आज हम भगवान के डाकिये नामक कविता पढ़ेंगे। बच्चे एक्साइटेड हो जाएंगे कि क्या सच में भगवान के डाकिये होते हैं, होते हैं तो वे कौन होते हैं, कैसे होते हैं। बच्चे बहुत एक्साइटमेंट के साथ आपकी तरफ देखेंगे। तो इसीलिए आपको इससे पहले अपना टॉपिक बोर्ड पे नहीं लिखना है, ठीक है। और आप जो TLMs लेके जाते हैं क्लास में, जब आप लेके जाएंगे एक बैग में चार्ट या पिक्चर्स, तो बच्चे आपकी तरफ बहुत ही इंटरेस्टिंग निगाहों से देखते हैं कि आज मैम कुछ नई चीज़ लेके आई है, वो क्या होगा, मैम हमें क्या करवाने वाली है। तो इसीलिए आप जो TLM की जब ज़रूरत पड़े आप उसे तभी बाहर निकालें। जैसे कि हमने अभी ऊपर सिर्फ एक TLM का यूज़ किया, जो क्या था, हमारे डाकघर का चित्र। तो आप केवल डाकघर का चित्र बच्चों के लिए निकालें, ये नहीं कि सारा आपने उथल पुथल करके पहले ही बच्चों को दिखा दिया। अगर पहले ही बच्चों को आप बता देंगे तो उनका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो कम हो जाएगा। उसके बाद उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके टीचिंग पर पड़ेगा और बच्चे आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे, वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उसके बाद आप प्रेजेंटेशन की हेडिंग डालेंगे जिसमें आप इस तरीके से टेबल बनाते हैं। पहला अगेन क्रमांक संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, देन कक्षा कक्ष क्रियाकलाप, एंड द लास्ट वन इज फॉर मूल्यांकन इवैल्यूएशन। तो कक्षा कक्ष क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आप छात्र अध्यापिका क्रिया के साथ साथ छात्र क्रिया और शाम पठ्य कार्य भी आप इसी में करेंगे। अगर आप अलग से स्पेस बना रहे हैं, आपकी फाइल एक साइड से प्लेन है, एक साइड लाइन एक साइड रूल शीट पे अगर आप बना रहे हैं, तो आप प्लेन वाली साइड पे भी शाम पठ्य कार्य कर सकते हैं। बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप इसी में करें कंटिन्यू, ताकि आपको पता रहे कि इस वाले पार्ट में आपका ये कक्षा कक्ष ये आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है, इस पार्ट के साथ आपका ये ब्लैक बोर्ड वर्क है। अगर आप सेपरेटली उसको करेंगे तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न चेक करने वाले सुपरवाइज़र के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्रमांक संख्या 1, शिक्षण बिंदु रहेगा कविता का सारांश। तो सबसे पहले आप इस कविता का सारांश बच्चों को देंगे, एक ओवरऑल समरी आप बच्चों को बताएंगे कि एक्चुअली कविता है क्या। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अध्यापिका एक बार बच्चों को कविता पढ़कर सुनाएंगी और छात्र क्या करेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे। दूसरी है पक्षी और बादल,
बचाते हैं। अब यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, कविता का पाठ कर रही है और उसके माध्यम से उन्हें एक्सप्लेन भी कर रही है। कवि कविता के माध्यम से बताते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, जो उनका संदेश इधर उधर पहुंचाते हैं। यह एक देश से दूसरे देश उड़ते रहते हैं। इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते, किंतु जिनके लिए संदेश होता है वे समझ जाते हैं। यह संदेश पेड़, पौधे, पहाड़ और पर्वत अच्छी तरह से समझ जाते हैं, क्योंकि ये संदेश उन्हीं के लिए होते हैं। ये कौन बता रही है, हमारी छात्र अध्यापिका बच्चों को उस पर्टिकुलर कविता का पाठ जो उसने रीड किया है उसका भावार्थ बच्चों को समझा रही है। छात्र क्रिया में बच्चे आप लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न के लिए आप पूछ सकते हैं कि भगवान के डाकिये कौन है, तो बच्चे उत्तर करेंगे भगवान के डाकिये कौन है, बादल हैं, जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं और अपना संदेश पहुंचाते हैं। ये संदेश किसके लिए होता है, ये संदेश होता है पेड़ पौधे पहाड़ और पर्वतों के लिए। देन नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में हम कविता का अगला भाग पढ़ेंगे। उसको एक्सप्लेन करते हुए छात्र अध्यापिका कहेंगी कि कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। वह वरदान सबको देती है, सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ती जाती है। वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है और दूसरे देश से उड़ी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती है। कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे जो कवि हैं उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है, जिसका बहुत ही सुंदर तरीके से छात्र अध्यापिका वर्णन कर रही हैं। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे कि ध्यानपूर्वक सुनते हुए छात्र अध्यापिका द्वारा दिखाई गई चित्र को देखेंगी और उनका मनोरंजन करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आप लिखेंगे कि प्रकृति किसकी सीमा को नहीं जानती। देन नेक्स्ट हमारी कविता यहाँ पे समाप्त होती है। बहुत ही सुंदर और छोटी सी कविता थी जिसके माध्यम से बहुत सुंदर संदेश बच्चों को मिलता है। पुनरावृत्ति यानी कि रिकैप्चुलेशन, जिसमें आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं प्रश्न विधि का ही यूज कर रही हूँ। पहला प्रश्न है कि डाकिये क्या होता है। प्रश्न दो, डाकिये का क्या अर्थ होता है। प्रश्न तीन, भगवान के डाकिये कौन होते हैं। इस तरीके से आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई प्रश्न या एक्टिविटी बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अधिगम विस्तार यानी कि होमवर्क। पहला है डाकघर का चित्र बनाओ या मॉडल बनाने के लिए भी आप उन्हें कह सकते हैं। दूसरा, कविता को अपने शब्दों में लिखो। तो देखिए यहाँ पे ये जो मैंने दूसरा होमवर्क दिया है जिसमें मैं बच्चों को उस कविता को अपने शब्दों में लिख के लाने के लिए कह रही हूँ, इसके पीछे का मेरा क्या उद्देश्य है। कविता जो कवि ने लिखी है वो एक साहित्यिक भाषा है, बच्चे उसको समझेंगे कि क्या लिखा है और फिर उसको अपने शब्दों में जब लिखेंगे तो बच्चों की एक तो क्या हुई, उनकी रीडिंग स्किल हुई, उनकी समझने की क्षमता बढ़ी, क्योंकि साहित्यिक भाषा जो होती है उसको समझना इतना आसान नहीं है, उसका भावार्थ को जानना इतना भी सरल नहीं है। फिर बच्चे उसको समझ के अपनी भाषा में जब लिखेंगे तो वो अपने भावों की अभिव्यक्ति करना सीखेंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करना सीखेंगे और लिखना सीखेंगे सबसे बड़ी बात। तो आप इस तरीके से बच्चों के लिए कोई अच्छा होमवर्क प्लान कर सकते हैं। आई होप आज का लेसन प्लान आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के और लेसन प्लान वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी मैं मेंशन कर दूंगी। आपका कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच।